हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है YRS क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर बताने वाले हैं, जो कि बहुत ही, अगर आप 10वीं क्लास में हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लिया तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर से पास होने की संभावना है, आप अच्छे नंबर से ज़रूर पास हो जाएंगे। आइए हम मॉडल पेपर देखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, समय जो मिलेगा हमें 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, और नंबर जो होगा 70 नंबर का। और यहाँ पे कुछ जानकारी दिया गया है, हम आ जाते हैं नीचे। खंड का यानी खंड का बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और आ जाते हैं यहाँ प्रश्न पर। प्रश्न है पहला कि इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया, 1 नंबर का। यानी कि जो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में जो सही आपको लिखना रहेगा। तो आप सब अपने कॉपी किताब में देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको केवल प्रश्न प्रश्न दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मॉडल पेपर 2020 में आने वाला है आपके परीक्षा में। अगला है जो दूसरा प्रश्न है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किस देश में विकसित हुई। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, चीन, भारत, कोरिया, तिब्बत। इन 4ों में से जो सही है आपको बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी में लिखना रहेगा। अगला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, 4 ऑप्शन। इन 4ों में से जो सही है उसे आपको कॉपी में लिखना रहेगा। चौथा है, भारत में संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, इन 4ों ऑप्शन में जो सही है आपको लिखना रहेगा। किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है, 5वां क्वेश्चन है। तो 5ों में 4 ऑप्शन है, जो सही है उसे आपको कॉपी में लिखना रहेगा। छठा प्रश्न है कि जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है। 4 ऑप्शन, बाइबल, डायमंड सूत्र, महाभारत, युकियो। तो जापान की जो सबसे पुरानी पुस्तक है उसका नाम लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है कि नमक यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था। और 9वां प्रश्न है कि मार्टिन लूथर कौन था, वह कहाँ का निवासी था। दो दो नंबर का 3ों प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि कुलीन वर्ग और नए मध्य वर्ग की महत्वपूर्ण विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है, अथवा करके दिया गया है, शहर की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, लिंग विभाजन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न में, दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। 12वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन्हीं 4 प्रावधानों का उल्लेख कीजिए, जिनके कारण भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य बना है। 6 नंबर का प्रश्न है, अथवा करके दिया गया है कि सामंजस्य और टकराव के मतभेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है कि 8वीं सदी के मध्य से लंदन की आबादी कैसे फैलने लगी, कारण बताइए। 6 नंबर का प्रश्न है, अथवा करके एक और प्रश्न और पूछा गया है, भारत में 49वीं सदी के अंत में मध्यम वर्ग के लिए उपन्यास मनोरंजन के लिए लोकप्रिय साधन कैसे बन गया। अगला प्रश्न है 14 नंबर पर कि मानचित्र में दर्शाना, यानी आपको इसको लिखना रहेगा और आपको कॉपी में इसका प्रश्न का उत्तर का लिखना रहेगा और इसको मानचित्र में भी दर्शाना रहेगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थानों को अपने दिए गए भारत के रेखा चित्र में चिन्ह द्वारा दर्शाइए, उसके नाम भी लिखिए। सही नाम और सही अंक हेतु 1/2 1/2 अंक निर्धारित, यानी आधा आधा नंबर आपको मिलेगा। प्रश्न है कि वह स्थान जहाँ आर्य समाज की स्थापना हुई। दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ सूर्य मंदिर स्थित है। तीसरा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। चौथा है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून भंग किया। और पांचवा है, वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो इन 5ों को आपको मानचित्र में दर्शाना होगा और अपने कॉपी में भी लिखना होगा उत्तर। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न पर, खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए उत्तर मिट्टी है, यानी जो सबसे सही मिट्टी कौन सी है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। इन 4ों में से जो सही है आपको लिखना रहेगा। 16 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4ों में से आपको आंसर बताना रहेगा। 17 प्रश्न है कि निम्नलिखित किस राज्य में टाटा लोह एवं इस्पात उद्योग स्थापित है। 4ों ऑप्शन है, 4ों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा लोह इस्पात उद्योग स्थापित है। अगला प्रश्न है 18 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इन 4ों में से 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में जो सही है आपको कॉपी में लिखना रहेगा। प्रश्न 19, बैंक
ब्याज दर को निर्धारित करता है। तो कौन निर्धारित करता है, इन चारों में से आपको बताना होगा कि बैंक करता है कि या सरकार करता है या फिर आरबीआई करता है या बैंक प्रबंधन, चारों में से जो सही है उसे आपको कॉपी में लिखना रहेगा। प्रश्न 20, भारत का मैनचेस्टर और पूर्व का बोस्टन कहलाता है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन में जो सही है उसे आपको कॉपी में लिखना रहेगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में है 21वां, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के दो उपाय बताइए, दो उपाय बताना है, दो नंबर का प्रश्न है। 22वां प्रश्न है, भारतीय वायु परिवहन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, दो नंबर का प्रश्न है। 23 नंबर का है कि हिमालय अब किसे कहते हैं, दो नंबर का प्रश्न है। लघु उत्तरी प्रश्न में आ जाते हैं, 24वां प्रश्न है, साख से क्या तात्पर्य है, साख की आवश्यक शर्तों को स्पष्ट कीजिए, तीन नंबर का प्रश्न है। अथवा करके एक प्रश्न और पूछा गया है कि तृतीयक क्षेत्र के बढ़ते हुए महत्व को स्पष्ट कीजिए। 25वां प्रश्न पूछा गया, भारत में खनिजों के वितरण को स्पष्ट कीजिए, तीन नंबर का प्रश्न है। अथवा करके पूछा गया है कि हुगली बेसिन के समीप पाटसन मिलों के अवस्थिति के लिए उत्तरदायी कारकों को स्पष्ट कीजिए, यह भी तीन नंबर का प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में है 26, मुद्रा के आधिकारिक रूप कौन से होते हैं, उन सभी रूपों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, छः नंबर का प्रश्न है। अथवा करके पूछा गया है कि वैश्वीकरण के प्रमुख परिणामों की व्याख्या कीजिए। 27वां है कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका है तथा पृथ्वी पर जल की कमी पाई जाती है, तीन प्रमुख कारण देकर स्पष्ट कीजिए, छः नंबर का प्रश्न है। अथवा करके पूछा गया है, गैर परंपरागत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। और 28वां प्रश्न है कि मानचित्र भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, तो जो भारत का मानचित्र है उस पर आपको ये पांचों प्रश्नों को बताना है कि ये कहाँ पर है। पहला है कि सोने की खान, और दूसरा है पूर्वी बंदरगाह, तीसरा है बोकारो स्टील संयंत्र, और चौथा है कलकत्ता से चेन्नई तक रेल मार्ग दो स्टेशन सहित बताना है, और पांचवा है तेल शोधक शाला। तो स्टूडेंट ये थे सामाजिक विज्ञान का पूरा मॉडल पेपर, किस तरह से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरह से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी अभी मॉडल पेपर यानी यहाँ मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पर, आप इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिए। अभी तो आपको केवल मैंने प्रश्न ही प्रश्न बताया, अगली वीडियो जो आएगी इन सभी का आंसर भी मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, और कौन जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सवालों के उत्तर भी बताऊंगा। तो अगर आप अपने आपने कॉपी लिया है या कॉपी में उत्तर बनाया है आप स्कूल में, तो जो जो प्रश्न का उत्तर मिलता है आप लोग आप पहले से लिख लीजिए, और जो जो नहीं मिलता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर मैं व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दे दूंगा स्क्रीन पर, और आप लोग कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसे प्रश्न को जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और एक बार बताता हूँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो घंटी वाला बटन आता है घंटी वाला बटन को भी दबा लीजिएगा। कोई भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी विषय को लेकर, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कौन सा विषय का कौन सा प्रश्न आपको चाहिए, या कुछ भी प्रॉब्लम हो लिखने का, किस तरह कॉपी में लिखें, कोई भी कुछ भी, अब फटाफट हमें, क्योंकि समय बहुत कम है, इस वजह से आप लोग आप हमें कमेंट कर अपनी परेशानी बताएं, हम आपको ज़रूर से ज़रूर इसका उत्तर आपको ज़रूर बताएंगे। ये जो प्रश्न बताए गए हैं इन प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।